अब अपन देखते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस सो so, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और बीच में रखते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस तो वो उसको वीकली अट्रैक्ट करता है इस तरीके से समझ में आ रहा है फिर दिस अट्रैक्शन इज कॉस्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम एज वॉज द केस इन फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस बट अंतर है अब दिख रहा है ऑब्वियसली यहां वीकली अट्रैक्शन है वहां क्या था स्ट्रांगली इन फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड था इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली अंतर है उसका कुछ यहाँ डिफरेंस होगा देखेंगे क्या बट ये पता होना चाहिए दिस अट्रैक्शन इज कॉज ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दस मेकिंग सब्सटेंस मैग्नेटाइज और ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस रिटेन्स मैग्नेटाइजेशन जस्ट एज वॉज द केस इन फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल्सो कैन रिटेन मैग्नेटाइजेशन अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो देखते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है तो यह अपना फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाया मैंने उसके अंदर क्या बनाए ग्रेन हमने देखा था ग्रेन्स क्या होता है ठीक है फिर तो यह सॉलिड विथ ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसके अंदर अपन एक ग्रेन पर फोकस करते हैं तो ये अपन एक ग्रेन को पकड़ा एक ग्रेन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसको बड़ा किया हमने देखा था फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ग्रेन ही एक डोमेन था ठीक है क्योंकि पूरे ग्रेन का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट था यहां पर क्या होता है ग्रेन के अंदर पार्टीशन होते हैं डोमेन के मतलब एक डोमेन ये हो गया ब्लैक वाला एक ये ब्लू वाला एक ये ब्लैक वाला एक ये ब्लू वाला ये ब्लैक वाला ये ब्लू वाला इस तरीके से डोमेन्स होते हैं और ये मैंने डोमेन्स इस तरीके से लंबे बनाए एलोंगेटेड स्फेरिकल भी हो सकते हैं ठीक है उतना अपन को नहीं देखना है बट जनरल जो है इस तरीके से एलोंगेटेड डोमेन्स बनाए मैंने तो एक डोमेन ये हो गया डोमेन ये हो गया डोमेन ये हो गया डोमेन तो इस तरीके से डोमेन है तो दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर ग्रेन डोमेन नहीं है समझ में आ रहा है ग्रेन के अंदर डोमेन्स हैं अब ये मैंने दो तरीके के बनाए मतलब ये डोमेन है ब्लू वाले और ये डोमेन है ब्लैक वाले इनका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है एक दूसरे से बट अपोजिट है समझ में आ रहा है सो so, हो गए अपने डोमेन्स ऑफ अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस क्लियर फिर ए डोमेन कैन हैव पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ब्लू वाले का कुछ और होगा ब्लैक वाले रीजन का कुछ और होगा इफ दी ब्लू वाले का डोमिनर बोल देते हैं सपोज इस तरीके से तो ब्लैक वाले का बोल देते हैं मैंने यहाँ ग्रे से बनाया है उसका अपोजिट इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट हो अब अपन पढ़ रहे हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है एक डोमेन ब्लू वाला मान लो मैंने बड़ा बनाया तो ब्लू वाला ज़्यादा है और जो ब्लैक वाला है वो अपोजिट है बट कम है समझ में आ रहा है ऐसे में होगा क्या ब्लू वाला ज़्यादा है ब्लैक वाला कम है तो पार्शली कैंसिल आउट हो जाएगा ब्लू वाला मैग्नेटिक मोमेंट बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा बचेगा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मतलब जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक मोमेंट का यहां कम होने वाला है। मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं पूरा हटा के डोमेन बना सकते हैं एक पूरा लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा कम होगा क्योंकि जो ब्लैक वाला है वो ब्लू वाले को पार्शियली क्या कर दे रहा है कैंसिल आउट इसके हिसाब से जो मैंने माना है कि ब्लू वाले का डोमेन ज़्यादा है और ब्लैक वाले का डोमेन कम है समझ में आ रहा है और जब एंटी फेरोमैग्नेटिक आएगा उसमें ये बराबर हो जाएगा टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं पहली बात तो डोमेन जरूरी नहीं है ग्रेन हो हो सकता है किसी केस में जैसे फेरोमैग्नेटिक के अंदर था यहां पर देख रहे हैं ग्रेन के अंदर डोमेन्स आ रहे हैं तो इस तरीके से होता है फिर डोमेन के कई शेप हो सकते हैं उतना नहीं पढ़ना अपन को और इसको चेंज भी कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ मैं अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज करूँ तो ये ब्लू वाले को बड़ा कर सकता हूँ छोटा कर सकता हूँ वो बहुत आगे की चीज़ है बट बस पता होना चाहिए नाउ इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू डोमेन्स आर अपोजिट जो मैंने बताया बट डू नॉट कैंसल आउट जो इसमें होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में दैट इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आ रहा है इफ़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ़ टू डोमेन, डोमेन ये जो दो अपोजिट है, होते हैं बट कैंसिल आउट नहीं होते हैं तो अपन को क्या मिलता है, मतलब, ये हो गया, एक हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी वैसी ही होती है लाइक ए वीक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव सिमिलर टू वीकरोग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि सेम फंडा हो गया जो अपने देखा था फेरो मैग्नेटिक के अंदर चेक करना नेट डोमेन है ग्रेन्स का लेकिन कम है क्योंकि जो ग्रेन्स के अंदर डोमेन्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट पार्शियली कैंसिल आउट हो जा रहा है बट बच रहा है दिस इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज दिस क्लियर सारी प्रॉपर्टी वीक फेरो मैग्नेटिक की तरह होंगी अब लास्ट देखते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने बताया तो उसमें क्या होने वाले हैं उसके अंदर जो डोमेन्स होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा